हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडक व्लॉग्स। तो फाइनली कल से मू ओएस 3 रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है गाइस, और ये बहुत ही जल्द सबको मिल जाएगा। तो बेटा से लेके स्टेबल वर्जन में कुछ चीज़ें चेंज हुई है, साथ ही में कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट भी हमें देखने मिली है। तो सब कुछ इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। ओके, तो कल ओला इलेक्ट्रिक ने अपने बैंगलोर एक्सपीरियंस सेंटर में एक मीडिया इवेंट रखा था गाइस, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मीडिया वालों को बुलाया था। तो इवेंट है ये मूव ओएस 3 के बारे में रखा गया था। तो उन्होंने इसमें अपने को क्या क्या चेंज किया है, और कल से ही कंपनी ने मूव ओएस 3 को रोल आउट करना स्टार्ट भी कर दिया है, तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये न्यू अपडेट 1 GB के करीब है, जो ऑटोमेटिक आपके स्कूटर में अपडेट आ जाएगा। वहीं कंपनी ने अपने आने वाले मोटरसाइकिल के बारे में भी बताया है, जो कि 2023 में अपने को देखने मिल सकती है। साथ ही कंपनी ने बताया कि इंडिया में 100 से ज़्यादा एक्सपीरियंस सेंटर इंडिया में ये खोल चुके हैं, जो कि ये रुकने वाले भी नहीं है, जिससे ओला का ऑफलाइन मार्केट भी काफ़ी बढ़ जाएगा गाइस। और अगर हम अभी ये देखें कि ऑफलाइन भी लोग इसे ख़रीदना बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, तो ये भी आप लोग खरीद पाएंगे। बाकी अगर आपके यहाँ पे ओला एक्सपीरियंस सेंटर नहीं है गाइस, तो हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगर आ जाए हम नेक्स्ट पॉइंट पर, बात कर लेते इसके मूव ओएस 3 स्टेबल वर्जन की, तो जिसमें हम क्या क्या देख सकते हैं जो कि चेंज हो चुका है। तो सबसे पहला फीचर इसका ये है गाइस, डैशबोर्ड में ही आपको मिल जाता है ये, जहाँ हमें किलोमीटर शो होते थे वहीं आपको अभी टैप करके अब हम सीधा बैटरी परसेंटेज भी देख पाएंगे, जो कि काफ़ी कमाल है और यूज़फुल फीचर है। वरना बैटरी देखने आपको बार बार सेटिंग में जाना पड़ता था। नेक्स्ट, इसी का जो डैशबोर्ड है, आपको ट्रिप मीटर अब सामने ही शो होगा, यानी कि पहले सिर्फ किलोमीटर दिखाता था अपने को वहाँ पे, बाद में ये चेंज होता था जबकि आपको अंदर सेटिंग में जाना पड़ता था, लेकिन अब मीटर में ही आपको ये शो होगा, जो कि अगेन काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और अगर हम देखिए अभी नेक्स्ट, तो मीडिया वॉल्यूम और कॉल्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपना मतलब अपने अकॉर्डिंगली आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में मतलब जो भी ये साउंड है, आपको अगर कम चाहिए ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड फीचर है गाइस, जो अभी तक के काफ़ी कस्टमरों की डिमांड थी, बहुत ज़्यादा मतलब इससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत जाती थी कि इसका जो भी लॉक अनलॉक साउंड है, रिवर्स मोड साउंड है, इंडिकेटर की जो साउंड आती है अपने को, उसका साउंड कम करते आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी, तो उस हिसाब से काफ़ी लोग परेशान भी थे। तो अब फाइनली मूव ओएस 3 में आप ये बंद कर पाएंगे, या अपने अकॉर्डिंगली आप इसे सेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें गाइस, तो जब स्कूटर में आप किसी मोड या थीम को चेंज करते हैं या तो सेट करते हैं, तो उसकी साउंड भी साथ ही साथ में आपके चलने लगेगी, मतलब कि नॉर्मल गाड़ियों जैसे साउंड भी आपको मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, ये भी प्रॉक्सीमेटली अनलॉक, जिसको अब आप कस्टमाइज भी कर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वैकेशन मोड, ये आपको मिल जाता है 200+ डेज का गाइस। ओके, उसके बाद में 28% फास्ट टच हो चुका है डिस्प्ले का। इसके हेडलैम्प कंट्रोल करने का भी आपको फीचर मिल जाता है। उसके बाद में 4% होम फास्ट चार्जिंग को भी इम्प्रूव किया गया है, जबकि मतलब आप जब घर पे चार्ज करो तो आपको 4% अब तक के जो भी चार्जिंग टाइम था उसमें 4% आपको डिक्रीज देखने मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट GPS कनेक्टिविटी भी बढ़ाई गई है। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है, आपके ओला मोबाइल ऐप को भी इम्प्रूव कर दिया गया है। तो बाकी अगर आप ओला स्कूटर ओनर है, तो आपको इसमें और क्या क्या मिसिंग लग रहा है ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद में उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड। ओके गाइस, बाय बाय।